हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर नागेंद्र थालोर। आज डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। जब ऊपर का ब्लड प्रेशर 90 to 120 और नीचे का ब्लड प्रेशर 60 to 80 रहता है तो उसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जब ऊपर का ब्लड प्रेशर 90 से कम हो जाता है और नीचे का 60 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर के यूजुअली कोई सिम्टम नहीं रहते हैं। पर्सन का यदि बीपी लोअर साइड में भी है तो उनको कुछ फील नहीं होता है, लेकिन यदि कई बार उनको सिम्टम होते हैं तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? लो बीपी के कारण उनको डिजीनेस रहेगा या लाइट हेडेडनेस रहेगा, फैटिक रहेगा, फेंटिंग जैसा लगेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा, नोजिया रहेगा, ब्लर्ड विजन रहेगा। कई बार जैसे एकदम एक्सट्रीम में लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, जैसे कि सेप्सिस में, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में, और एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी हो जो कि सीवियर ब्लीडिंग करवाती है, तो उस कंडीशन में कुछ अलग सिम्टम भी आते हैं। तो इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में कुछ सिम्टम रहते हैं जिनको सीरियस सिम्टम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर के। रैपिड बट वीक पल्स, रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग, जो पेशेंट है वो तेज तेज और गहरी गहरी सांस लेगा। पेल कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाएगी, जो पर्सन का जो पूरा बॉडी है, स्किन है वो पेल हो जाएगी, हाथ लगाने पे ठंडी हो जाएगी, पूरा पैर उसके ठंडे हो जाएंगे, और वो जो पर्सन है वो पूरा कंफ्यूज रहेगा, ओरिएंटेशन उसका सही नहीं है, डिसओरिएंटेड हो जाएगा, कंफ्यूज रहेगा। तो ये कुछ सीवियर सिम्टम है। यदि बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। लो बीपी और हाइपोटेंशन के क्या क्या टाइप्स रहते हैं? मेनली तीन टाइप्स रहते हैं। सबसे पहला रहता है ऑर्थो स्टेटिक हाइपोटेंशन और पोस्टुरल हाइपोटेंशन। इसका मतलब है कि जब भी कोई पर्सन, यदि वो बैठा है या लेटा है और खड़ा होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो उसके खड़े होने के 3 मिनट के अंदर अंदर यदि उसका सिस्टोलिक बीपी 20 mm और यदि इसका डायस्टोलिक जो बीपी है 10 पॉइंट से डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो स्टेटिक हाइपोटेंशन। इसमें होता है क्या, जैसे ही पर्सन खड़ा हो रहेगा तो ग्रेविटी के कारण उसका जो ब्लड है वो पैरों की तरफ पुल होगा, जिससे क्या ब्रेन को सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी और उसको डिजीनेस और फेंटिंग है, ये सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। और तो स्टेटिक हाइपोटेंशन मोस्टली ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है। दूसरा टाइप रहता है पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन, यानी खाना खाने के बाद में 1 से 2 घंटे के बाद में बीपी एकदम से कम होएगा। ये कंडीशन भी ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में रहता है। तो इसको बचने के लिए आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंट मील्स ले लें, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा मील लेके आप बार बार खा सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है आपको, राइस है, पोटैटो है, चावल है, पास्ता है, इस तरह की चीज़ें कम खानी है, प्रॉपर आपको हाइड्रेशन रखना है। तीसरा टाइप रहता है न्यूरली इमीडिएट हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू फॉल्टी ब्रेन सिग्नल्स। न्यूरली इमीडिएट हाइपोटेंशन ये मोस्टली यंग और एडल्ट्स में रहती है। इसमें जो आपका हार्ट है और ब्रेन है उसमें मिसकनेक्शन रहता है, जिसके कारण पेशेंट्स का बीपी फॉल होता रहता है और उसको सिम्टम भी आ सकते हैं। एक चौथा टाइप रहता है जिसको पल्स सिस्टोमिक एट्रोपी बोलते हैं, वो मोस्टली ओल्डर पेशेंट्स में रहता है जिनको पार्किंसोनिज्म रहती है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम उनका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। व्हाट आर कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर? लो ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं? लो ब्लड प्रेशर के कई कारण रहते हैं। सबसे पहला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और उनका बीपी है जो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन जैसे ही उनकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में उनका बीपी वापस नॉर्मल हो जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यदि बॉडी में प्रॉपर आयरन और वाइटामिन B12 नहीं है तो पेशेंट्स को एनीमिया रहेगा जो कि लो बीपी करवाता है। डिहाइड्रेशन, यदि किसी भी कारण से डिहाइड्रेशन होता है, फीवर है, वोमिटिंग है, डायरिया है, या फिर एक्सेसिव डायरेटिक यूज, यानी वाटर पिल्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हॉट एनवायरनमेंट में है, तो उसमें डिहाइड्रेशन होता है जो कि लो बीपी करवाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे एडिसन्स डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज, लो ब्लड शुगर और डायबिटीज, ये सब लो बीपी करवाती हैं। हार्ट कंडीशंस, यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेल्योर है, या उसकी जो हार्ट की गति है वो बहुत तेज या स्लो चल रही है, या कोई वाल की प्रॉब्लम है, वाल स्टेनोसिस है, वाल बहुत ज़्यादा टाइट है, प्रॉपरली वो ओपन नहीं हो पाता,
तो ये सारी कंडीशन लो बीपी करती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस को कई बार देखते हैं, किसी को ये बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन रहता है जिसको एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं, उसमें पेशेंट्स की बीपी कम हो जाएगा, धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत रहेगी, चेहरे पे और लिप्स पे पूरी जगह स्वेलिंग आ जाती है, जिसको एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। यदि किसी को सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, सेप्सिस है, तो उस कंडीशन में पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। यदि किसी भी कारण से ब्लड लॉस होता है, जैसे किसी को ट्रोमा हो गई या कोई एक्सीडेंट हुआ या इंटरनल ब्लीडिंग है, तो वो भी लो बीपी करवाती है। पर्सन रहते हैं जो लंबे टाइम से बेड रेस्ट पे रहते हैं, बेड रिडन रहते हैं, उनका बीपी भी लो रहता है। कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं जो कि लो बीपी करती हैं, जैसे डायरेटिक्स हैं जिसमें लेसिक्स या थायजाइड रहता है, वो वाटर पिल्स भी बोलते हैं उनको, क्योंकि वो बॉडी में से जो एक्सेस फ्लूड रहता है उसको बाहर निकालती हैं और ये यूरिन को बढ़ाती हैं और बीपी को कम करती हैं। पर ब्लॉकर्स हैं जैसे प्रजोसिन है, जिसको मिनी प्रेस के नाम से भी आती है। बीटा ब्लॉकर्स हैं एटिनॉल, प्रोपेनॉल, एंटी हाइपरटेंसिव, जो भी बीपी को कम करने की मेडिसन्स रहती हैं वो सारी मेडिसन बीपी को कम करती हैं, तो लो बीपी करा सकती हैं। जैसे एसी इनहिबिटर, एआरबी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, एल्पा ब्लॉकर, सारी मेडिसन्स हैं जो कि बीपी को कम करती हैं। पार्किंसंस में जो ड्रग यूज़ होती हैं, जैसे लिवोडोपा है, एंटी डिप्रेशन ड्रग हैं जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट हैं, या फिर एसएसआरआई है, सेट्रालिन है। कुछ ड्रग हैं जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज की जाती हैं, जैसे सिलडेनाफिल है या टेडालिफिल है। यदि वो ड्रग यूज़ करती हैं और पेशेंट कोई हार्ट पेशेंट है, वो नाइट्रोग्लिसरीन भी लेता है साथ में, तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। लो ब्लड प्रेशर को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या टेस्ट करवाने होते हैं? सबसे पहले पेशेंट्स के वाइटल साइन चेक किए जाते हैं, उसका बीपी कितना है, पल्स रेट कितना है, रेस्पर रेट कितना है। पेशेंट का बेसिक मेटाबॉलिक पैनल किया जाता है, जिसमें ब्लड शुगर है, थायराइड है, एडिसन्स डिजीज के लिए टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा पेशेंट का सीबीसी किया जाता है, सीबीसी में देखते हैं उसका हीमोग्लोबिन कितना है, एनीमिया तो नहीं है। उसका आयरन लेवल किया जाता है, वाइटामिन B12 लेवल किया जाता है। बॉडी में इन्फेक्शन देखने के लिए उसका ब्लड कल्चर भी किया जाता है। ईसीजी करते हैं, ईसीजी में ये देखा जाता है कि पेशेंट्स को हार्ट रेट उसका कितना चल रहा है, एरिथमिया तो नहीं है या पहले कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ हुआ है। इको टेस्ट भी कर सकते हैं, इको में ये देख सकते हैं पेशेंट्स को कोई वाल की दिक्कत तो नहीं है, पहले का कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ हुआ या फिर उसका हार्ट फेल्योर तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इको से पता कर सकते हैं। छाती का या एब्डोमन का एक्सरे और यूएजी भी कर सकते हैं, ये रूल आउट करने के लिए कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई ट्रोमा तो नहीं हुआ है। टिल्ट टेबल टेस्ट रहता है, जिसमें पेशेंट को टेबल पे लिटा दिया जाता है और उसके बाद में उसका जो हेड एंड साइड है उसको धीरे धीरे एलिवेट करते हैं। एलिवेट करने के साथ साथ में ये देखते हैं उसकी हार्ट रेट और बीपी ड्रॉप होता है या नहीं होता, और उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे चक्कर आना या फेंटिंग होना, इस तरह के सिम्टम आते हैं या नहीं आते ये चेक करते हैं। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसको कोई डिजीज तो नहीं है, कोई क्रोनिक इलनेस तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा जिसके कारण बार बार बीपी कम हो रहा हो। तो डायग्नोसिस के बाद में यदि पेशेंट को लो बीपी का कुछ रीजन मिल जाता है या कुछ कारण मिलता है, तो उसको ट्रीट करते हैं। लो बीपी में मोस्टली पेशेंट को सिम्टम्स नहीं रहते हैं, यदि पेशेंट को सिम्टम नहीं है तो उनको ट्रीटमेंट की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं रहती है। यदि पेशेंट का लो बीपी है और उसको सिम्टम भी है, तो उसका कारण क्या है उसको पता किया जाता है। यदि कहीं को जैसे मेडिसिन के कारण लो बीपी हो रहा है, तो उसकी मेडिसिन को उसकी डोज को कम किया जाता है और उसकी मेडिसिन को चेंज किया जाता है। यदि लो बीपी का कोई कारण नहीं मिलता है, तो फिर अपना टारगेट रहता है कि किसी भी तरह उसका बीपी बढ़ाया जाए और उसके सिम्टम को रोका जाए। लो बीपी को बढ़ाने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं? सबसे पहला है साल्ट इनटेक बढ़ाना है, और साल्ट इनटेक बढ़ाने के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव साल्ट नहीं लेना है, नहीं तो वो फिर हार्ट फेल्यूर भी कर सकता है, कंडीशन को और ख़राब भी कर सकता है। लो बीपी के पेशेंट को बार बार पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है ताकि उसका जो ब्लड वॉल्यूम है और बीपी मेंटेन रहे। लो बीपी को बढ़ाने के लिए कंप्रेशन और इलास्टिक स्टॉकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप अपने पैरों में लगा के रख सकते हैं, जिससे वो कंप्रेशन करके आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगी और आपके सिम्टम को कम करेंगे। इसको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, डेली 20 मिनट या 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, जो कि आपका बीपी बढ़ाने में हेल्प करेंगी। यदि फिर भी पेशेंट का बीपी इम्प्रूव नहीं होता है, तो कुछ मेडिसन्स आती हैं, जैसे फ्लूड्रोकोर्टिसोन स्टेरॉयड रहते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए दे सकते हैं।
या फिर मिडोड्रीन है जो वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। ट्रीटमेंट के बाद में कुछ होम रेमेडी हैं, यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बीपी मेंटेन रहेगा। जैसे आप अपना टाइम टू टाइम बीच बीच में पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। यदि आप एल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद कर दें। आपको बॉडी पोजिशन का ध्यान रखना है, जब भी आप खड़े होते हैं, जब आप लेटे हुए हैं या बैठे हैं तो उस पोजिशन से खड़े होते हैं तो आपको जेंटली खड़ा होना है, एकदम से सडन नहीं होना है। एक साथ में हैवी मील नहीं लेना है, स्मॉल स्मॉल फीड आप ले सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, जिनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ऐसी डाइट नहीं लेना है, जैसे राइस है, पोटैटो है, पास्ता है या ब्रेड, ये चीज़ें कम लेनी है। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप ब्रेकफास्ट के साथ में टी और कॉफ़ी पी सकते हैं, जो आपके बीपी को थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपके बीपी को मेंटेन रखेंगी। और जब भी एक्सरसाइज करें, आपको हॉट एनवायरनमेंट में या फिर जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसी वाली कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने बीपी को मेंटेन रख सकते हैं।